मानूर जी वो अंदर है, मैं आपको मिलवाती हूँ, आ जाए। जो भी काम हो ना मैं जरा मसरूफ हो जाऊंगी, तो ठीक है वहां पे जाके देखूंगी। बाजी वो आशीर भाई आए। अरे आशीर बेटा कैसे हो, सब सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। सलमा जाके जल्दी से चाय का इंतजाम करो। कोई जरूरत नहीं है, मैं मानूर से मिलने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मानूरापी को कल मायूं तो बिठा चुके हैं, और अब आपका और उनका पर्दा है। मुझे भी ये लगता है कि कुछ बातें शादी के बाद हो जानी चाहिए। भाभी मैं मानूर से मिलना चाहता हूँ, जरूरी है। अच्छा जी। रमशा ऐसा करो, माही को यहीं पर ले आओ बेटा। ठीक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं मानूर से अकेले में बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसके कमरे में चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, रमशा ले जाओ बेटा, जाओ आइए। आप ही आशीर भाई? कोई जरूरी बात करनी है? मुझे तो लग रहा है वो आप ही को इतना मिस कर रहे थे ना कि खुद ही आ गया। आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? इसकी वजह मैं जान चुका हूँ, और फ्रैंकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी के साथ इन्वॉल्व थी या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन एक चीज है जिससे मुझे फर्क पड़ता है, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। यहां तकलीफ होती है, तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का इरादा तो मैं बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि तुम्हारे जैसी घमंडी और मगरूर लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मिसेज मानूर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये आशीष सुबह सुबह माही से क्या बात करने आया है? अल्लाह करे सब खैरियत हो। तलाक देता था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरी मम्मी, ये नहीं कर सकते। नो आशीर भाई। अरे आशीर, बात हो गई तुम्हारी माही से बेटा? आशीर 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 बेटा बात सुनो। आशीर आशीर मेरी बात तो सुनो बेटा। ये क्या क्या हुआ है? ये बात किए बगैर क्यों चला गया?